पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 थाना के महू निमच रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर बीती रात लगभग 4 बजे एटीएम के गार्ड की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर चयन रुनीवाल को सूचना मिली थी कि उनके पीथमपुर बैंक में लगे एक एटीएम में घटना घटित हुई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एटीएम के अंदर और बाहर खून बिखरा पड़ा है और अंदर सुरक्षाकर्मी गजराज सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसमें आरोपी की पहचान आसान हो सके। आरोपी ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। वहीं हत्या की खबर मिलते ही परिजन और समाजजन घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महू निमच 4 लेन को जाम कर दिया। पुलिस के समझाइश के बाद चक्का जाम खोल दिया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। रात को 3:30 बजे के आसपास स्टेट बैंक SBI जो मालवा हॉस्पिटल के पास है उसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने गार्ड की हत्या कर दी और ATM काटने का प्रयास किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ और पुलिस के सायरन की आवाज आने से यहाँ से भाग गया। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्लू मिले हैं, बहुत जल्दी इसमें इसको ट्रेस कर लिया जाएगा। आपका नाम और पता बताएं। टोनल सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।